दोस्तों पंजाबी सिनेमा फॉर यू ते तुहाडा सारयां दा स्वागत है। ते मैं लेके आया हाँ पंजाबी ते हिंदी सिनेमे दा पिछले हफ्ते दा लेखा जोखा। दोस्तों जवान फिल्म दी हर पासे जय जयकार है, लेकिन पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई पंजाबी फिल्म बूहे बारियां नूं दर्शकों का कोई बहुता भरवां हंगारा नहीं मिलिया। ते ना ही आपां अज गल करांगे एक अजिहे पंजाबी कलाकार दी जो कि पंजाबी सिनेमे दे माफिया का शिकार है, ते उसका दर्द भी मैं थानू सुनावांगा। किंग खान भाव शाहरुख खान की टोटल मलकीयत किन्नी है, इसका भी आपां जिक्र करांगे। ते दोस्तों इस तो पहला कि मैं विस्थार नाल पिछले हफ्ते की सिनेमे की कारगुजारी बारे गल करां, मेरी साढ़े नवें व्यूअर्स या नवें दर्शकों नू रिक्वेस्ट है कि तुसीं वीडियो दे हेठां घंटी उत्ते उंगल जरूर ला दिओ। ये साडा चैनल नहीं, ये तुहाडा चैनल भी है, क्योंकि आपां रल मिल के इस चैनल ते पंजाबी सिनेमे बारे सच्चियां गल्लां करदे हां। ते बहुत सारे फिल्मकारां नूं साडियां ये गल्लां पसंद भी नहीं हन। घंटी ते उंगली ला के सबसक्राइबर बनन नाल साडी वीडियो दे अपलोड हुंदिया ही इस दी नोटिफिकेशन तुरंत तुहाडे मोबाइल विच पहुंच जाया करनी है, ते साडा ते तुहाडा संपर्क जुड़ जाया करना है। ते दोस्तों हुण मैं आउंदा हां सिनेमे दी कारगुजारी बारे। जिस तरह मैं फिल्म बूहे बारियां दी अपनी समीक्षा विच जिक्र कीता सी कि यह फिल्म उखड़े हुए स्क्रिप्ट वाली फिल्म है, भाव फिल्म दे स्क्रिप्ट उत्ते कोई बहुती मेहनत नहीं कीती गई। दोस्तों कुछ लोगों नूं साडी समीक्षा ते इतराज भी हुंदे आ, वह कहिंदे ने कि तुहाडा सिनेमे प्रति रवैया ठीक नहीं, तुसीं पॉजिटिव समीक्षा नहीं करते। मैं फिर दोहरावांगा कि हर समीक्षा साडी फिल्म बारे अपनी राय हुंदी है। मेरे साथी कुलदीप सिंह बेदी भी समीक्षा करते हैं, तो जिहड़ी फिल्म बंबई लग जाती है उहदी समीक्षा मैं भी करता हाँ, पर असीं कोशिश करते हाँ कि असी एक निरपक्ष समीक्षा करिए। वरना बहुत सारे चैनल आ चंडीगढ़ च पंजाब च खुंभा वांग तुरे फिरते आ, मुफ्त विच फिल्मां दे प्रीमियर भी वेखते आ, बर्गर भी खांदे आ, थम्स अप भी पींदे आ, ते बाहर निकल के उह जिहड़े शो विच प्रोड्यूसर दे अपने 200-250 बंदा आया हुंदा फ्री च फिल्म वेखण वाला, फिर उहनां नूं उह पुछदे आ माइक लै के वी दसो जी फिल्म किवें लगी। हुण इन्नी क सेवा करा के बंदा मुफ्त च फिल्म वेख के की निरपक्ष समीक्षा करूगा। ते इही कारण है कि साडी रिलीज होण वाली हर पंजाबी फिल्म दी प्रीमियर वाले दिन तां बड़ी बल्ले बल्ले हुंदी आ, इहो जिहा कमेंट सुणन नूं मिलदे आ कि इदां दी फिल्म ना हुण तक बणी आ ते ना बणनी आ, पर उह कमेंट रात तक ही रहि जांदे आ। बहुती वारी दूजा दिन दर्शकों का फिल्म नूं हंगारा ही नहीं मिलता, तो हर हाल च सीटां खाली नज़र आउंदियां हन। अजकल दर्शक जिहड़े आ उह ट्रेलर तो सुंघ लैंदे आ वी इह फिल्म किहो जिही आ, नहीं तो मैं बंबई विच ही जद सौंकने का पहला शो देखिया सी ते लगभग 80% हाल भरिया आया सी। पता नहीं उन्हें की जादू किया सी कि लोगों नूं पहले ही पता लग गया वी इह फिल्म वेखण वाली आ, इह मनोरंजक फिल्म आ। पर साडे कोई लाई अलग लोग भी हन, मैं ये नहीं चाहुंदा कि फिल्म इंडस्ट्री नाल जुड़े हुए लोग साडी समीक्षा की आलोचना ना करन, हरेक नूं हक आ, पर कई तो इत्थों तक उतरे आउंदे आ जी तुसीं नैगेटिव समीक्षा करदे हो, तुहानूं रिटायर हो जाना चाहीदा है। आ दो दिन ही पहला एक बाबा जी कनेडा विच बड़े सालां तों एक्टिंग करदे आ रहे आ, अपने आप नूं इंटरनेशनल एक्टर कहाउंदे आ, बीके सिंह रखड़ा उन्हां दा नाम है, उन्होंने भी कल परसों एक कमेंट पाया साड़ी वीडियो दे बारे कि तुहानू रिटायर हो जाना चाहिए है जा आप फिल्म बनानी चाहिए है। वो भाई समीक्षा कर ले जरूरी नहीं हुंदा भाई वो खुद भी फिल्म बनावे, असी तो फिल्म दे पक्ष वेखने हैं तो दर्शकों अगे रखने हैं, बाकी फिल्म ना वेखनी जा फिल्म वेखनी उन्हां दी मर्जी है। नाले साड़ी समीक्षा सुन के तो सारे फिल्म वेखन नहीं जाते, मैं जिवें कहा आ भी फिल्म का ट्रेलर वेख के ही अजकल दर्शक सुंघ लैंदा आ भी ये फिल्म किहो जिही है। तो साडे सीनियर एक्टर बाबा जी बीके सिंह रखड़ा नूं मैं बेनती करूँगा भी साडे नालों तो पहला हुण तुहाडी रिटायर होण की उम्र होई आ, तुसीं हुण बस कर लो। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री च कोई भी बंदा अंतम साह तक रिटायर नहीं हुंदा, असी तो कहने भी तुम चढ़ती कला च रहो तो कम करी जाओ, जिथे भी एक एक सीन या दो दो सीन मिलते हैं करी जाओ हर फिल्म च, पर घट्टो घट सानू सलाह ना दो भी तुम रिटायर हो जाओ जी, तुम रिव्यू ना करो जी,
दोस्तों हुण मैं आउंदा हाँ बूहे बारियां दी कलैक्शन बारे। अब बहुत सारे जाली जाए चैनल खुल गए आ यूट्यूब ते जिहड़े हर रोज समीख्या देई जांदे आ। ये पता नहीं पेड चैनल जिहड़े आ ये प्रोड्यूसर ने खुलवाए आ वी तुसीं वधा चढ़ा के साडियां फिगरां दसी जाओ ते साडी फिल्म नूं प्रमोट करी जाओ। पर मैं ये दावे नाल कहांगा कि साडे कोल जिहड़ी फिगर आउंदी आ कलैक्शन दी उह असीं जलंधर दी मंडी रोड तो अपने सोर्सेज तो हासिल करते हाँ तो वह बिल्कुल परफेक्ट कलैक्शन होंगी है। 19-21 का फर्क हो सकता है पर फेक नहीं होंगी। पहला सारे प्रोड्यूसर फेक पोस्टर ला देंगे सी अज इन्ने लख कल इन्ने लख ते परसों इन्ने लख ते इन्ने करोड़ जमा हो गया। असी ये नहीं करते। असी जे फिगर साढ़े को प्रोपर ता ही उसका जिक्र करते हैं। हुण बूहे बारियां की गल कर लो चापलूस चैनलों ने तो बड़िया फिगर वधा घटा के दतिया पर जी एक्चुअल कमाई आ फिल्म की बूहे बारिया ने कुल मिला के पहले 3 दिनों में 1,05,00,000 की कलैक्शन की। पहले दिन इस फिल्म ने 25,00,000 के करीब कलैक्शन की। दूजे दिन ये 39,00,000 तक पहुँच गई तो तीजे दिन ये 41,00,000 तक। इस तरह ये लगभग 1,05,00,000 की कमाई इस फिल्म नू पहले वीकेंड ते हुई है। तो सोमवार को तो हेठां डिग पिया ग्राफ। सोमवार की कमाई कोई 16,50,000 दसी जा रही है। पर दोस्तों पता नहीं आ जिहड़े चापलूस चैनल चंडीगढ़ च जां पंजाब च बैठे आ ये कित्थों फिगरां कढ लिआउंदे आ। दूजे पासे जवान की जय जयकार जारी है। जवान ने भारत विच हुण तक कोई 438 करोड़ के करीब कलैक्शन कर ली है और फिल्म बड़ी तेजी नाल 500 करोड़ वल नूं वध रही है। हुण आपां पंजाब की गल ही कर लईए। पंजाब विच जवान ने अपने दूजे वीकेंड ते भाव एक हफ्ता तो वह पूरा कर चुकी आ ते दूजे हफ्ते विच भी उन्हें कोई 5 करोड़ तो उपर की कलैक्शन की। हुण तुलना तुसीं आप ही कर लो। उस दे दूजे शुक्रवार की कमाई ही 1,05,00,000 सी पर साडी पंजाबी फिल्म दे पहले 3 दिनों की कमाई जिन्नी। तो दूजे दिन फिल्म ने जां पंजाब की टेरेटरी विच 1,85,00,000 कमाया तो तीजे दिन 2,12,00,000 की कमाई की। तो इस तरह इस फिल्म ने दूजे वीकेंड ते 5,02,00,000 कमाया। मस्ताने की गल कर लेने मस्ताने दे भी झंडे झूल रहे हैं हर पासे। उन्होंने चौथे वीकेंड विच पंजाब विच कोई 29,00,000 की कमाई की। फिल्म 70 करोड़ तो उपर दुनिया विच कमा चुकी है। दोस्तों हुण मैं ये भी दसदा कि साडे शाहरुख खान जिसनों बॉलीवुड विच किंग खान कहा जाता है वह कमाई करन दे मामले विच बड़ा एक्सपर्ट आ। मैनू नहीं लगता कि कोई भी बॉलीवुड का एक्टर जां प्रोड्यूसर अपने आप नू इस तरह प्रमोट करता है जां जिसने अपने आप नू हमेशा ही प्रमोट करी रखिया है बड़ा पैसा कमाया है। एक रिपोर्ट मुताबक इस वेले शाहरुख खान की कुल मलकीयत जिहड़ी आ ਉਹ 6,010 करोड़ रुपए है। तो अज भी इस उम्र विच भी 57 साल का हो के भी ਉਹਦੇ महीने की एवरेज कमाई जिहड़ी आ ਉਹ $22,00,000 आ। दोस्तों जवान विच शाहरुख खान का एक डायलाग सी बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ये इशारा किधर नूं सी तुसीं जानदे ही हाँ भी उसदे बेटे नूं ड्रग दे मामले विच फसाया गया सी जिस तो वह बड़ा दुखी हुए सन ते बड़ी वाह ला के उन्होंने महीने बाद बेटे नूं जमानत दवाई सी। हुण मैं तुहानूं इत्थे एक तथ्य ये भी दसांगा कि उसदे बेटे उत्ते ये इल्जाम लग्या सी कि वह ड्रग वेचदा आ ते पैसे लैंदा आ। हुण मैं तुहानूं एक होर तथ्य दसदा आ जिहड़ा सामने आया है कि शाहरुख खान दे बेटे आर्यन खान दे अकाउंट विच वी इस वेले 2,25 करोड़ दे विच रुपया घूमदा रहिंदा आ। मतलब तुसी लाओ कि 2,25 करोड़ कमाउण वाला नशे की छोटी मोटी तस्करी करूगा या नशा वेचूगा। पर साडे इत्थे सब जायज़ है जो हुंदा आ हो ही जांदा आ जिन्हां नूं सहना पैंदा आ वो सही जांदे आ। ये भी खबर दस दईए इस वेले शाहरुख खान अपने बेटे नूं प्रोड्यूसर बन की ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वह उसकी कंपनी रैड चिली नूं संभाल सके। तो आपां ये भी कह सकते हैं भी शाहरुख खान इस वेले बॉलीवुड का सब तो रईस एक्टर आ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ 31 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੇ ਕੋ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਪ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਖਾਨ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਟਰ ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਲੇਖਕ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਜੱਗੀ ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਬਲੈਕੀਆ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਰੋਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਕ ਜਵਾਨਾ, ਨੋਟੀ ਜੱਟਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਰਨਾਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਨ ਜਗਪਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮੇ ਦੀ ਗਰੁੱਪਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਮੋਗੇ ਨੇੜੇ ਵਾਂਦਰ ਜਟਾਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੰਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ 25-30-35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਕਟਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੇ, ਰੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਆਰਟ ਅਤੇ ਤਰਨ ਜਗਪਾਲ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਖੜ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਨਗਿੰਦਰ ਕੱਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਭੈ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਫਿਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੋੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਹਨੀ ਮੱਟੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੰਗੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਡੋਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਫਿਲਮ
आम रूटीन वालियां फिल्मों तो कुछ वक्री जी लगती है। तो दोस्तों मैं एक होर फिल्म के ट्रेलर की भी गल करांगा, बहुत वधिया ट्रेलर लग्या। इस फिल्म का नाम है चिड़िया का चंबा, तो ये अक्टूबर के अद्ध विच जाके रिलीज होगी। रिलीज तो पहला भी इसकी जानकारी देवांगे, पर इस दे ट्रेलर ने तो मैनू मोह लिया। फिल्म विच चार कुड़ियां की जद्दोजहद विखाई गई लगती है। फिल्म के डायलाग बड़े खूबसूरत लगते हैं। इस दे लेखक ते डायरैक्टर प्रेम सिंह सिद्धू हैं। फिल्म विच चार मुख कुड़ियां दे किरदार शरण कौर, अमायरा दस्तूर, नेहा पवार ते प्रभ गरेवाल ने निभाए हैं। हीरो शायद शिवजोत है, नाल संजू सोलंकी भी है, बलविंदर बुलट भी है, आशीष दुग्गल, महनाज मान अते साडे सिनेमे दे घेंट एक्टर योगराज सिंह भी हैं। फिल्म का ट्रेलर तो मैनू बहुत अच्छा लग्या। फिल्म लगन तो बाद पता चलेगा कि किहो जिही फिल्म है। तो दोस्तों अंत विच घंटी जी ते उंगली जरूर लाउंदे जाओ, इस दे नाल साडा ते तुहाडा संबंध भी बन जाणा है, ते आपां सिनेमे बारे गल्लां भी करदे रहना, सच्चियां गल्लां। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद।